hello students we are going to discuss few interesting problems based on the graph in kinematics we are going to discuss kinematics problems okay that is kinematics okay and that is based on graph to so, ये वाला वीडियो मैं शुरू में कह दूं ये वाला वीडियो इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड में बनाने के पीछे वजह सिर्फ ये है कि आज मैं जो अपना वीडियो सेटअप है वो वीडियो सेटअप के साथ नहीं शूट कर पा रहा हूँ तो मेरे को लगा कि भले ही वीडियो सेटअप के साथ शूट नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन आपका पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है उसीलिए वो किसी तरह रुकना नहीं चाहिए उसी मैं कोशिश कर रहा हूँ जो सिंपलेस्ट पॉसिबल है वीडियो बनाने का मेरे पास अभी तो मैं उसी ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ आप ये ना सोचे कि अचानक मैंने अपना वीडियो रिकॉर्डिंग सेटअप है ना वो चेंज क्यों कर दिया मैं वापस अपने जो प्रीवियस सेटअप है उसमें आऊँगा लेकिन आ जो कि आपका एक भी दिन मिस ना हो उसी इस सेटअप में कुछ वीडियो आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ तो चलिए शुरू कर रहे हैं कैनमेटिक्स पे ग्राफ बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स है, है ना जो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है आप शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिए आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है जिसमें मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन के बारे में कह रहा हूँ दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ठीक है एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है ठीक है एक सिमेट्रिकल ग्राफ आपको दिख रहा है ये t इक्ल टू जीरो है दिस इज टीक्ल टू वन और ये पोजीशन जो है ये t इक्ल टू टू सेकेंड ये सेकेंड में दिया है ठीक है और ये डिस्प्लेसमेंट है इन मीटर तो फॉर अ पार्टिकल इट इज सेड दैट अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ठीक है ना ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है लेकिन गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है गिवन इन्फॉर्मेशन है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ये गिवन इन्फॉर्मेशन है ये आपको याद रखना है ठीक है और क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन तो फिर इसका क्वेश्चन है फाइंड फाइंड लासिटी टाइम ग्राफ फाइंड वेलासिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस रिलेशन जो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया है, है ना उस रिलेशन से हमको वालासटी टाइम ग्राफ निकालना है तो वेलासिटी टाइम ग्राफ निकालने के लिए हम लोगों को ये जो डिसप्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया है जहाँ एक्सलेशन के बारे में कहा गया है कि ये कॉन्स्टेंट है तो वी नीड टू कमेंट ऑन तो सबसे पहले देखिए जो इसका सॉल्यूशन जो डिस्कस होगा उसमें आर्गुमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू ग्राफ फ्रॉम टी क्वल टू जीरो टू टीक्ल टू वन सेकेंड ये जो इंटरवल है ना आप भी देख रहे हो टी इक्वल टू जीरो से लेके टी इक्वल टू वन तक ग्राफ कैसे है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज़ लाइक दिस ये अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ठीक है ना तो स्लोप जो है वो कैसे चेंज हो रहा है यू कैन सी दिस वन स्लोप जो है वो कैसे चेंज हो रहा है स्लोप ऐसे चेंज हो रहा है देखिए ठीक है ना जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो स्लोप इसमें ड्यूरिंग दिस इंटरवल ये जो टाइम का इंटरवल है इसमें इतना समय जो है टी इक्वल टू जीरो से लेके टी इक्वल टू वन सेकेंड तक यहाँ आप देख रहे हैं कि स्लोप जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव स्लोप है है ना किसी भी इंसेंट का आप स्लोप को देखें तो वो नेगेटिव स्लोप है थीटा ऑप्टिव एंगल आ रहा है विद द टाइम एक्सिस ये डिसप्लेसमेंट है तो इस रिलेशन में स्लोप नेगेटिव फर्स्ट पॉइंट है स्लोप इज नेगेटिव एंड स्लोप नेगेटिव होने के साथ साथ एक और बात है कि स्लोप का जो मॉड वैल्यू है ठीक है मैग्नीचूड मैग्नीच्यूड और मॉड वैल्यू है ना मॉड्यूलस ऑफ स्लोप ठीक है स्लोप नेगेटिव है लेकिन उसका मॉड्यूलस वैल्यू विथ इंक्रीज इन टाइम कारण उसका कारस्पोंडिंग ऑप्टिवज एंगल छोटा हो जा रहा है और जो मॉड यानी कि कारस्पॉन्डिंग सप्लीमेंट्री एंगल, जो एक्यूट एंगल है पाई माइनस थीटा का वो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो पाई माइनस थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होगा टेन ऑफ पाई माइनस थ्री का न्यूमेकल वैल्यू इंक्रीज़ होगा यानी कि मैग्नीच्यूड इंक्रीज़ हो रहा है स्लोप का मैग्नीच्यूड इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो नेगेटिव साइन का है तो हम लोग जानते हैं वी नो वन थिंग दैट इज स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ स्लोप ऑफ ग्राफ इज वेलासिटी स्लोप ऑफ ग्राफ वेलासिटी है तो स्लोप ऑफ ग्राफ अगर विलासिटी है सो दिस इम्प्लाईज दैट फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू वन सेकेंड है ना दो बात निकल के आता है पहला बात वेलासिटी इज नेगेटिव क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो वेलासिटी इज नेगेटिव एंड सेकेंड पॉइंट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वलासिटी इज़ इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वालासिटी इज इंक्रीजिंग ठीक है न ये दो बात हो रहा है कि नहीं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं स्लोप का जो जीरो टू वन सेकेंड का जो ग्राफ है इन दैट ग्राफ द स्लो वैल्यू इज इंडिकेटिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लो वेलासिटी को रिप्रेजेंट करता है और अबाउट द वेलासिटी हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसका मॉड्यूलर वैल्यू इंक्रीज होगा यानी कि वेलोसिटी टाइम का जो रिलेशन है वो कैसे होना चाहिए वेलोसिटी नेगेटिव इन डायरेक्शन बट मॉड वाइज पॉजिटिव यानी कि जीरो टू टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू वन सेकेंड के इंटरवल में है ना इस इंटरवल में अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो वो ग्राफ ऐसे होगा ये मान लीजिए अगर टाइम एक्सिस है ये अगर वेलोसिटी एक्सिस है तो वेलोसिटी नेगेटिव है बट मॉड्यूलस इज़ इंक्रीजिंग यानी कि इस तरह से देखा जा सकता है ठीक है ये इंक्रीज ये नीचे जो है वीडेस मतलब नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू वेलोसिटी इज नेगेटिव मॉड देखिए मॉड उसका देखिए इंक्रीज हो रहा है ठीक है तो टाइम भी ये, ये है ऐसे बढ़ रहा है तो दिस इज इक्वल टू वन सेकेंड तो टी जीरो से टी इक्वल टू तो वन सेकेंड तक आते थे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हुआ और वो नेगेटिव इन डायरेक्शन है दिस इज अबाउट द आर्गूमेंट इन फर्स्ट वन सेकेंड सेकेंड में इसका जो दूसरा पार्ट है ग्राफ का दैट इज फॉर फ्रॉम टी इक्वल टू वन सेकेंड टू टी इक्वल टू टू सेकेंड टी इक्वल टू वन सेकेंड से लेके टी इक्वल टू टू सेकेंड तक अगर हमको ग्राफ को देखना है जो गिवेन ग्राफ है गिवेन एस टी ग्राफ उस पर फिर से ध्यान दो गिवेन एस टी ग्राफ ठीक है ना गिवेन एस टी ग्राफ क्या है वो ऐसे है कि ये अगर हमारा एक मिनट ये अगर हमारा टाइम एक्सिस है ठीक है यहाँ मान लो t इक्वल टू वन है इधर t इक्वल टू टू सेकेंड है तो वन से टू सेकेंड तक ग्राफ इज़ लाइक दिस ठीक है ना तो यहाँ फिर अगर हम स्लोप का बात करें ठीक है यहाँ अगर मैं स्लोप का बात करूँ तो यू कैन सी स्लोप इज क्लियरली इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज टी टी जैसे जैसे मेरा बढ़ेगा है ना वैसे वैसे अलग अलग जगह पे विथ इंक्रीजिंग टी स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ स्लोप इंक्रीज करने का मतलब है दिस इंप्लाइज दैट फॉर इंक्रीजिंग स्लोप यहाँ लिख सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग स्लोप ठीक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव डेफिनेटली स्लोप एक्यूट एंगल बन रहा है एंड वो एंगल जो है है ना हर पोजिशन में हॉरिजेंटल के साथ वो एंगल डिक्रीज कर रहा है फॉर इंक्रीजिंग स्लोप इंस्टेंटिनियज वेसिडी पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड बट डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड है ना ड्रीजिंग इन मैग्नीच्यूड मैग्नीच्यूड वाइज डिक्रीज कर रहा है कारण इसे साफ पता चल रहा है हम लोगों को एस टी रिलेशन का स्लोप डिक्रीज हो रहा है विद डिक्रीज इन स्लोप इन एस टी ग्राफ इनो दैट वेलासिटी डिक्रीजेज यानी कि अगर मैं टीक्वल टू वन सेकेंड टीक्वल टू वन सेकेंड से टीक्वल टू वन सेकेंड से टीक्वल टू टू सेकेंड तक है ना ग्राफ को अगर ड्रॉ करूँ तो ये है टाइम एक्सिस ये विलासटी एक्सिस तो दिस इज़ टीक्वल टू वन और ये टाइम एक्सिस है ये विलासटी एक्सिस है और कह रहा है कि वेलासटी विल रिमेन पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग इन मैग्नी डिक्रीजिंग इन मैगनीच्यूड का मतलब है डिक्रीजिंग इन मैग्नीच्यूड तो वन सेकेंड से टू सेकेंड तक तो इसका मतलब है मैं फिर इसको ऐसे बता सकता हूँ है ना ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव में रहेगा और जी जीरो की तरफ आएगा तो ये है टी इक्वल टू वन सेकेंड ये है टी इक्वल टू टू सेकेंड का सिचुएशन ठीक है तो इसका मतलब है कि ओवरऑल चीज़ को अगर एक साथ देखें ठीक है ओवरऑल चीज़ को अगर एक साथ देखेंगे फॉर टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू टू सेकेंड ये पूरा एक साथ देखेंगे इतना इंटरवल पे तो जो अल्टीमेट चीज़ बना वो ऐसे बना है ना फिर इतना को आप डॉटेड लाइन से जोड़ सकते हो ठीक है और फिर ये तो ये आपको ये सोचना है कि ये कंटिन्यूस लाइन नहीं है ठीक है ये डॉटेड लाइन है लाइक दिस तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टाइम ग्राफ द रिलेशन विच कैन जस्टिफाई द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विच इज़ गिवन हेयर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में लग आया अच्छा लगा अगर आपको तो आप इसको डेफिनेटली फॉरवर्ड करेंगे अपने दूसरे दोस्तों में लाइक करेंगे है ना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ सके और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर कोर्स वो आपके जैसे पा सके ताकि उसका भी प्रिपरेशन बढ़िया से चल सके ओके थैंक यू